Digital Diyas, if I may say, add to the millions of Diyas that light the Ghat today.
वाराणसी के घाट पर यह अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट एंड शो चल रहा है। और वहाँ पर वाराणसी में भगवान शिव, जिसको वाराणसी को कहा जाता है, काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, और इस लाइट एंड शो में भगवान शिव का तांडव नृत्य देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि जितने लोग वहाँ पर होंगे वो तमाम मंत्रमुग्ध होकर इसको देख रहे होंगे। और यही सब चीज़ें हैं, ये तमाम प्रयास उत्तर प्रदेश टूरिज़्म मंत्रालय की तरफ से, टूरिज्म विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण काशी में, वाराणसी में लगातार टूरिस्टों की संख्या हर साल बढ़ रही है। और ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन, वैसे भी देव दीपावली पर पूरे दुनिया भर से, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर देव दीपावली पर्व पर, लेकिन इस बार कोरोना के कारण पूरे विश्व से तो नहीं, लेकिन भारत भर से भी बहुत कम लोग पहुँचे हैं, लेकिन क्योंकि संख्या सीमित है, लेकिन उसके बावजूद ये दृश्य आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत नज़ारा है। और इसको देखकर हर किसी का मन यही करेगा कि काश वो भी आज घाट, आज काशी में होता, गंगा घाट पे होता। चेत सिंह घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं, चेत सिंह घाट पर किस तरह से ये लाइट एंड शो जो है वो चल रहा है। स्पेक्टेक्युलर विजुअल्स देयर, अ साउंड एंड लाइट शो दैट यू जस्ट विटनेस्ड ऑन द घाट्स ऑफ Holy Ganga in Varanasi. Among the audiences, of course, are the people of Varanasi, but also Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath from the cruise on the holy river Ganga. Prime Minister also alongside the people of Varanasi witnessing the spectacular light and sound show. The celebration was of Dev Deepavali, millions of lamps that have been lit on the ghats, complemented by the state-of-the-art technology that was on display, a beautiful amalgamation of the ancient and the modern that is also represented by the city of Varanasi. And here, beautifully lit Chet Ghat on the holy river Varanasi. Important day here, celebration of Dev Deepavali. Prime Minister Narendra Modi also spending his day here, from launching of infrastructure projects to participating in Dev Deepavali with the people of the city that also happens to be his parliamentary constituency. The holy river Ganga caressing the ghats of Varanasi. The waves are also beautifully lit by millions of diyas that have been lit as part of Dev Deepavali celebration that also marks the conclusion of the 5-day Ganga Mahotsav that is celebrated during this time of the year. The full moon, Kartik Purnima, complementing the celebration taking place by the mortals in the ancient city of Varanasi.
जहाँ काशी की संस्कृति और परंपरा है ये देव दीपावली पर्व, और सालों से देव दीपावली पर्व, जब दीपावली खत्म हो जाती है उसके लगभग लगभग 15 दिन बाद देव दीपावली पर्व जो है मनाया जाता है काशी में। और ये बहुत खास उत्सव है काशी के लिए, वाराणसी के लिए, और काशी के लिए ही क्या बल्कि ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग दूर दूर से आते हैं। और देखिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये आप महसूस कर सकते होंगे, प्रधानमंत्री जब वहाँ पर बोट में क्रूज में खड़े हैं तो उस वक्त क्या अद्भुत नज़ारा है ये आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऊपर पूरी तरह से चांद है और नीचे लाखों दियों की रोशनी है, और साथ साथ गंगा माँ का स्पर्श है, माँ गंगा की गोद में हैं आप। और आप सोचिए कि ये नज़ारा, ये दृश्य कितना रोमांचित करने वाला और कितना आपकी आत्मा को छू लेने वाला एक ऐसा दृश्य जो शायद आप कभी ना भूल पाए। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, और जब कभी भी आप काशी जाएं, बनारस जाएं, तो ये ज़रूर आप कीजिएगा कि शाम को, इससे पहले अगर आप देखें तो काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी की सुबह बहुत निराली होती है, बहुत आध्यात्मिक होती है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में कुछ चर्चा करते हुए, बीच बीच में प्रधानमंत्री जो लोग इस वक्त गंगा में बोटिंग कर रहे हैं, नौकायान में हैं, उनको हाथ हिलाकर बीच बीच में उनका उनकी तरफ इशारा भी करते हैं, क्योंकि आसपास जो नावों में लोग निकल रहे हैं वो प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित होकर, उल्लासित होकर उनकी तरफ इशारा करते हैं। और प्रधानमंत्री को जैसे ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो उनके अभिवादन का जवाब देते हैं। तो इस वक्त ये जो क्रूज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रूज़ में है, इस क्रूज शिप में। इस क्रूज शिप में आप जाएंगे तो बहुत महंगा नहीं है, इसका किराया बहुत कम है, लेकिन इस क्रूज शिप में आप जाएंगे तो आपको चाय बिस्किट भी मिलेगी, आप इसमें आनंद भी ले सकते हैं इस क्रूज शिप में बैठ करके। और इस क्रूज शिप से आप तमाम जो आसपास के घाट हैं और जो रोशन घाट हैं, जो बिल्कुल रोशनी से नहाए रहते हैं, उन घाटों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह का आपका एक अलग अनुभव है, ये बिल्कुल अलग तरह के अनुभव का आप आनंद ले सकते हैं। And Ashok, it has been a particular preference of the Prime Minister, if you remember, to travel through the waterways, to promote inland waterways. We know Varanasi is also part of an important waterways from Kolkata to, in fact, Prayagraj. Varanasi forms an important center of inland waterways, and here Prime Minister Narendra Modi on that beautiful cruise ship. And beautiful also are the visuals of the ghats. The faint yellow line that you see are basically millions and millions of diyas that have been lit on the holy occasion of Deep Dev Deepavali. It's a 5-day Ganga Mahotsav festival. It concludes today, and Prime Minister is here with the people of his parliamentary constituency, a city that is very close to his heart. In his address, when he spoke earlier, also spoke about how it is going to be special for people of Varanasi at this moment, this Deep Deepavali, because he also spoke about, it's a special moment, Ashok, when he spoke about an idol of Maa Annapurna that was taken away, stolen decades ago, is also set to return. And there we also got a glimpse of Sant Ravidas Park, the idol of Sant Ravidas, who's followed, who's worshipped by people of all sections of society. Prime Minister, in fact, would also be going and paying their respects. And there in that view, you can see hundreds, thousands and lakhs of diyas lit on the ghats of River Ganga, and the cruise on which Prime Minister Narendra Modi is traveling on the holy River Ganga. आपने वाटरवेज की बात की, तो देखिए आप जिस वक्त ये पूरी परिकल्पना की गई थी, और इससे पहले गंगा में लोग वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक, कोलकाता तक जाते थे, और न सिर्फ जाते थे बल्कि जो सामान है उनको उनको उनके परिवहन का एक बड़ा साधन पानी से जाने का था। और जिस वक्त इसकी पूरी परिकल्पना हुई, दोबारा जब 2014 में इसकी परिकल्पना हुई, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा में क्रूज चलाने की बात करी, तो बहुत से लोग इस बात पे हैरान थे, क्योंकि गंगा का पानी इतना गंदा था और इतना उथली थी गंगा। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा मोटा क्रूज चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन
उसके बाद धीरे धीरे गंगा की स्वच्छता पर काम किया गया, घाटों के सौंदर्यीकरण पर काम किया गया, और आखिरकार आज ये क्रूज शिप इस तरह से आप देख रहे हैं गंगा में। और आपको याद होगा कि अभी जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों केवड़िया गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर जब गए थे, वहाँ पर भी केवड़िया में भी इसी तरह का एक क्रूज शिप अभी उन्होंने इसका इसकी शुरुआत करके आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री का हमेशा एक जोर रहता है, फोकस रहता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो पानी के थ्रू जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा बहुत विशेष आग्रह रहता है। और आप देखिए कि इन तीनों चीज़ों पर कितनी तेज़ी से लगातार बीते 6 सालों में काम हो रहा है। ये अलकनंदा आप देखिए, इसका ये जो बोट है अलकनंदा आपको दिख रही है, और अपने आप में ये अब ये सफ़र यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम हम देखेंगे। That's right, Ashok. In fact, talking about connectivity, one of the first programs that Prime Minister participated today was a highway NH19 widening that connects Prayagraj with the holy city of Varanasi. And he spoke about how it is going to help all sections of society, not just people who commute on a daily basis, farmers who have to take their produce to different cities, covered yatris who have to travel on these routes. So connectivity a priority for Prime Minister. There, Prime Minister's crews parking near Ravidas Park, and that is Ravidas Ghat as well. And Prime Minister would be paying his respects to Guru Sant Ravidas, 14th century Sant Ravidas, who is known for his sermons of equality. He's also known for his contribution, the way he led the Bhakti movement in the country. And there, the beautifully lit Varanasi bears testimony to the spirit of Varanasi, Prime Minister, in his address. So you can see Prime Minister's cruise ship is parked on Sant Ravidas Ghat. In the background, you can see millions of diyas lighting the ghat, the other side of River Ganga, the ghat of Varanasi. Prime Minister in his address spoke about, it may be a time of gloom because of the pandemic, time of precautions, but that hasn't diminished in any manner the spirit, the spirituality, the spiritual strength of Varanasi. And that, he says, is the true identity of the holy city of Varanasi. And that spirit through the diyas is also complemented through this state-of-the-art sound and light show that concluded a short while ago. And we can also see these beautiful lights still on, adding fresh hues and color to the holy city of Varanasi. Prime Minister's next program would be paying his respects to the idol of Sant Ravidas. जी, आपने अभी जो कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन काशी की ऊर्जा, काशी की भक्ति और शक्ति, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो काशी में अपने आप में एक अलग तरह की ऊर्जा है, एक अलग तरह की भक्ति का भी भाव है, शक्ति का भी भाव है। और काशी की धरती पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का अल्हड़पन भी होता है, साथ में उत्साह भी होता है, ऊर्जा भी होती है, भक्ति का भाव भी होता है, और आध्यात्मिकता भी आपको सराबोर कर देती है। ये काशी की जो मिट्टी है, काशी की जो धरती है, उसका ये बहुत ही एक निराला रंग है, अनोखा रंग है, ये वास्तव में काशी है। और ये कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जो है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित नगरी अगर कोई है तो वो काशी है। बहुत सारी पुरानी नगरियां हैं, लेकिन जो अगर जीवित नगरी काशी कहेंगे, विश्व की सबसे पुरानी अगर कोई जीवित नगरी है तो दरअसल उसे काशी माना गया है। इसलिए न सिर्फ भारत भर से बल्कि विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं काशी का आनंद लेने, काशी की धरती को देखने के लिए, और यहाँ पर जो आध्यात्मिकता के रंग बिखरे हुए हैं उसको, उसका आनंद लेने के लिए। Absolutely, it's a beautiful moonlit night, Kartik Purnima, the night is, and the moonlight is complemented beautifully by the lamps, the earthen lamps that light the ghats of Varanasi. And Ashok, earthen lamps also remind us of the vision of vocal for local. Prime Minister Narendra Modi, in his address in the celebration that marks Dev Deepavali, spoke about the need to remember the spirit of vocal for local, whether it's Diwali, whether it's Dev Deepavali. He
hailed the people of Kashi, the people of the nation. Do not forget, while we resurrect the nation's economy, the nation's strength, on this holy occasion, Prime Minister also remembered the bravery of the Jawans. These celebrations, whether religious or in other forms, these celebrations become possible, these gatherings become possible because our Jawans guard our borders, make us feel safe, protect the nation at all times. So he said, when you light the diyas, also remember and light diyas for the bravery of Jawans as well. Today also happens to be Guru Purab, Guru Nanak Dev's जी. और ये जो आप देख रहे हैं, ये चेत सिंह घाट है जहाँ पर अभी लाइट एंड शो हुआ इस वक्त, जो आपने देखा लाइट एंड साउंड शो हुआ. और इस चेत सिंह घाट के बारे में कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो पंचकोट के राजा ने किया था. कुल मिलाकर 84 घाट हैं वाराणसी में अलग अलग तरह के, और लगभग 4